नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको आपके राशन कार्ड से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। दोस्तों भारत में राशन कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है और सभी लोगों का राशन कार्ड होता है। अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो आपको भी संभलने की जरूरत है, क्योंकि भारत सरकार ने अब इसके ऊपर नियम और कानून बहुत ही टाइट कर दिए हैं। हम इस वीडियो में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आप भी आने वाले संकट से बच सकें और आपको भी इसकी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि भारत सरकार ने अब नियम और कानून जो है वो बहुत ही टाइट कर दिए हैं। बहुत ही लोगों के राशन कार्ड बने होते हैं और आपने देखा भी होगा, आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे जिन्हें राशन की कोई जरूरत नहीं है, राशन कार्ड की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी उन लोगों के राशन कार्ड बने होते हैं। तो बस इसी को देखते हुए भारत सरकार ने अब नियम और कानून पहले भी बने हुए थे लेकिन उनका जो था सख्ती से पालन नहीं होता था। लेकिन अब क्या है, आधार कार्ड से भी लिंक कर दिया गया है आपके राशन कार्ड को। और जैसा कि आप जानते हैं कि आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट, आपके पैन नंबर, आपके हर डिटेल के साथ आधार कार्ड जुड़ा हुआ है। अगर अब आधार कार्ड जब हमारा राशन कार्ड के साथ ऐड हो जाएगा तो भारत सरकार के पास ये सारी जानकारियां आपकी पहुंच जाएगी। अगर आप गलत जानकारी देकर भी राशन कार्ड बनवाने की कोशिश करेंगे तो आपको भारी जुर्माना हो सकता है या यकीन मानिए कि आपको जेल भी हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर बहुत सी कंडीशन भारत सरकार ने अब लागू कर दी है, क्योंकि जरूरतमंदों तक राशन कार्ड नहीं पहुँचता था, राशन नहीं पहुँचता था, और जिन्हें जरूरत नहीं होती थी वो इसका लाभ ले जाते थे। तो इसी बीच की धांधली को हटाकर और जरूरतमंदों तक लाभ पहुँचाने के लिए भारत सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। जैसे कि सरकारी कर्मचारियों के लिए अब राशन कार्ड योग्य नहीं है। राशन कार्ड पहले भी सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं होता था लेकिन लोग फिर भी वो बना लेते थे। अगर आप किसी भी वाहन के मालिक हैं, जैसे कि बाइक, कार या कोई भी वाहन आपके पास है, तब भी आप राशन कार्ड बनवाने के लिए योग्य नहीं होंगे। अगर आप टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन इस तरह के उपकरण को यूज़ करते हैं तब भी आप राशन कार्ड बनवाने के लिए योग्य नहीं होंगे। समय समय पर इसकी जानकारी आपसे ली जा रही है और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप तय आय से अगर आपकी अधिक इनकम है, यानी कि आपके परिवार की इनकम तय आमदनी से अधिक है, तब भी आप राशन कार्ड के लिए योग्य नहीं होंगे। अगर आप फिर भी राशन कार्ड बनवा लेते हैं तो आपके बारे में गवर्नमेंट को पता चल जाएगा, क्योंकि वो आपके आधार से लिंक आपके सारे डाटा को देख रहे हैं। अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार यानी कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तब भी आपके लिए राशन कार्ड योग्य नहीं है। दोस्तों अगर आप किसी भी कारण से या किसी भी तरीके से आप राशन कार्ड बनवा रहे हैं तो आप एक बार ज़रूर सोचिए, क्योंकि राशन कार्ड के लिए नियम और कानून बहुत ही टाइट हो गए हैं। अगर आप पक्के मकान मालिक हैं, यानी कि आपका पक्का मकान है, मकान के मालिक हैं, तब भी आप इसके लिए योग्य नहीं हैं। दोस्तों अगर आप गलत जानकारी देकर अपना राशन कार्ड बना रहे हैं, अगर आपके पास कोई सर्वे के लिए जैसे आते हैं आंगनवाड़ी से या कहीं से, अगर आप गलत जानकारी देते हैं तब भी उसके लिए सजा का प्रावधान है, आपको सजा भी हो सकती है। और आपको आपका राशन कार्ड आधार कार्ड से जोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप आधार कार्ड से नहीं जोड़ेंगे तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। अगर आप आधार कार्ड से जोड़ देंगे तो भारत सरकार के पास आपकी सारी डिटेल पहुंच जाएगी कि आपके पास क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड आपके सभी जरूरी चीज़ों के साथ आधार कार्ड लिंक हो चुका है। ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि ज़रूरतमंद परिवारों तक इसका लाभ पहुंच जाए, क्योंकि आम लोगों तक इसका लाभ नहीं पहुंचता। जिन्हें ज़रूरी है, जिन्हें ज़रूरत है, उन तक इसका लाभ नहीं पहुँचता और बाकी लोग इसका लाभ ले जाते हैं। जिनकी आमदनी अच्छी है, जो अच्छे परिवार से हैं, वो भी राशन के लिए जाते हैं, राशन ले लेते हैं। तो आम लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने इसमें जो नियम और कानून टाइट किए हैं। तो आपसे मैं यही अपील करूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, गलत जरिए से अगर आप राशन कार्ड बनवा रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार आप ध्यान से सोचिए, आप ज़रूर इस बारे में सोचिए, क्योंकि राशन कार्ड की सारी डिटेल जो भी आप देंगे वहाँ पर अपने सर्वे के लिए, जो भी आप बताएंगे, अगर आप ठीक ठीक देंगे तो ही आपका राशन कार्ड बनेगा। अगर आप गलत जानकारी दे के किसी दूसरे सोर्स से अगर आप राशन कार्ड बनवाने की कोशिश करेंगे तो आपको इसका भारी जुर्माना हो सकता है। तो दोस्तों ये एक जानकारी थी कि किस तरह से अगर राशन कार्ड आपके पास है तो आपको संभलने की ज़रूरत है, आपको ये जानकारी जाननी चाहिए थी, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों परिवार के साथ भी इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान पर टच करके, और उसके बाद घंटे के निशान पर जरूर टच कीजिए ताकि आपको हमारी बनाई हुई नई नई वीडियो लगातार मिलती रहें। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।